झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में करीब 210 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद हुई है, जिसके बाद राजनीतिक भूचाल आ गया है। हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। जिस तरह से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू वर्ष 2010 से लगातार राज्यसभा सांसद बने हुए हैं और उनके ठिकानों पर आयकर विभाग को 210 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए हैं, यह पूरी तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यह गठबंधन भ्रष्टाचारियों का घमंडी गठबंधन है। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट कहा है कि किसी भी कीमत पर देश के अंदर भ्रष्टाचारियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो अभी वर्तमान में सांसद हैं, उनके ठिकानों से, ये मानिए उनके घर से 210 करोड़ रुपए अभी तक बरामद हो चुके हैं, ईडी ने कर लिए हैं। एक बहुत बड़ा जो जनता की धनराशि अपने घरों में रखी थी अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए और अपनी पार्टी के प्रयोग के लिए, वो आज दुनिया ने देख लिया है, पूरे देश के लोगों ने देख लिया है। बड़ी बड़ी ऊंची बात करने वाले घमंडिया ऑर्गेनाइजेशन में जिन लोगों ने हमारी सरकार को बदनाम करने की नियत से जो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, उनकी पोल खुलती नजर आ रही है, नहीं बल्कि खुल चुकी है। एक नहीं, उनके लंबे चौड़े घोटाले, कहीं 42 करोड़ पकड़ा गया, अभी ये सांसद जो साहू है उनके घर से 210 करोड़ पकड़ा गया, कहीं पर आपके दूसरे के वहां से 200 करोड़ पकड़ा गया। अगर गहराई से सोचेगी देश की जनता, सोच भी रही है कि मोदी जी ने जिस तरह से संकल्प लिया है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत करेंगे, अगर कोई हमारी सरकार न होके इन्हीं की सरकार होती तो आज तो भ्रष्टाचार की गंगा पूरी तरह से बह रही होती।